Dear students of class 8th, good morning, welcome to online class. In the previous video, I was teaching you lesson 3rd and magic pearl. And in this video, I am continuing the remaining passages of this lesson. Dear students, मैजिक पर्ल जादुई मोती जिसको कि किस तरीके से जेड ड्रैगन और फोनिक्स बर्ड ने कितनी मेहनत से बनाया और उसके बाद कैसे वो एक रानी के हाथ में पहुँचा और फिर कैसे उससे किस तरह से ड्रैगन फोनिक्स और फोनिक्स ये दोनों माउंटेन बने और जो है पर्ल किस तरह झील में कन्वर्ट हुआ, बड़ा ही मिस्टीरियस स्टोरी है और इस मिस्टीरियस स्टोरी को आप लोगों को बहुत ही रोचक तरीके से इस लेसन में बताया गया है. देखें बाद वाले पैसेज जहाँ से हैं, तो ये पैसेज है द क्वीन मदर. क्वीन मदर की कहानी क्या हुआ, जेड ड्रैगन और गोल्डन फोनिक्स जब उन्हें पता चला कि रानी जो है वह उनके द्वारा बनाए गए मैजिक पर्ल को कब्जे में किए हुए हैं, तो वहीं पहुंच गए और जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगे कि ऊपर पैसेज था जेड ड्रैगन एंड गोल्डन फोनिक्स शाउटेड पेज 23 पर, देखेंगे किताब में शाउटेड टुगेदर, साथ साथ चिल्लाए दिस इज अवर पर्ल, ये हमारा मोती है. तो उसी के आगे द क्वीन मदर, रानी माँ वाज सो इनरेज्ड, इतनी ज़्यादा क्रुद्ध हुई बाय देयर क्लेम दैट सी स्नैप, कि उनके इस दावे से कि वो बहुत जोर जोर चिल्लाई और कहीं नॉन सेंस मूर कहीं के आई एम द मदर ऑफ हेवनली एम्परर, इस दिव्य लोक कि मैं शासक शासिका शासक हूँ, ऑल ट्रेजर्स बिलोंग टू मी, और यहाँ पर जितना भी जो भी संपत्ति है वो मेरी है. जेड ड्रैगन एंड गोल्डन फोनिक्स वर इंफ्यूरिएटेड बाय हर रिमार्क्स, जेड ड्रैगन और जो गोल्डन सोन चिड़ी थी वो उसकी रानी की इस टिप्पणी से नाराज हुए दोनों. दे प्रोटेस्टेड बाई सेइंग, दोनों ने यह कहकर के विरोध किया, हैविन डिड नॉट गिव बर्थ टू दिस पर्ल, इस मोती की उत्पत्ति स्वर्ग में नहीं हुई, नॉर वाज इट ग्रोन ऑन द अर्थ, और नहीं इसकी उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई. इट वाज कार्व्ड एंड पॉलिश्ड बाय अस, इसको मैंने बहुत मेहनत से चमकाया है, इसे पत्थर से तराशा है, फिर चमक इसमें लाए हैं किस तरीके से. इट टुक मैनी ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, इसके निर्माण में मुझे मैंने यह बहुत साल लग गए और बड़ी मेहनत करनी पड़ी. सेंड एंड एंग्री, बहुत ही इस बात से शर्मिंदा और नाराज, दोनों ही चीज़ें थी. द क्वीन मदर क्लस्ड द ट्री टाइटली, और जो ये रानी जो थी इन्होंने क्लस्ड माने होल्ड कर रखा था, पकड़ लिया था द ट्री टाइटली, ट्रे में जिसमें कि वो मोती रखा हुआ था उसको बहुत मजबूती से पकड़ लिया. वाइल ऑर्डरिंग हर पैलेस गार्ड्स टू ड्राइव जेड ड्रैगन एंड ओल्ड फोनिक्स गोल्डन फोनिक्स आउट, और पकड़े हुए उन्होंने जो वहाँ पर महल के जो सुरक्षा गार्ड थे उनसे जेड ड्रैगन और गोल्डन फोनिक्स को महल के बाहर करने का आदेश दिया, कहा कि इनको भगाओ यहाँ से. बट दे फाउंड देयर वे बैक, लेकिन उन्होंने मुकाबला किया, लड़ने लगे, डिटरमाइंड टू स्नैच द पर्ल फ्रॉम द क्वीन मदर, और क्वीन से वह मोती छीनने की का निश्चय किया. द थ्री स्ट्रगल्ड ओवर द गोल्डन ट्री, उस सोने की ट्रे में रखे हुए मोती को पूरी ताकत से तीनों एक दूसरे से संघर्ष करने लगे, मतलब रानी और गोल्डन फोनिक्स और जेड ड्रैगन. एज द ट्री शुक एडमिस्ट, जैसे ही ट्री बीच में उसमें हिली कंपन हुआ, द टसल
द पर्ल फैला और मोती उछला, टसल टसल मीन्स उछला। तो मोती उछला और मोती उछल करके द पर्ल फैला, मोती गिर गया, रोल टू द एज ऑफ द स्टेयर्स, सीढ़ियों के किनारे लुढ़कता हुआ गया, एंड देन ड्रॉप इन टू द एयर, और उसके बाद में वो नीचे हवा में नीचे जाने लगा। जेड ड्रैगन एंड गोल्डन फोनिक्स रश्ड आउट ऑफ द पैलेस, जेड ड्रैगन और गोल्डन फोनिक्स दोनों ही उसके पीछे पीछे भागे, ट्राइंग टू सेव इट फ्रॉम बीइंग ब्रोकन इन टू पीसेस, वो टुकड़े टुकड़े न हो जाए ऐसा प्रयास करने के लिए वो उसके पीछे पीछे भागे। दे फ्लू बिसाइड द फॉलिंग पर्ल, और उड़ते हुए वह उस गिरते हुए मोती के समीप में पहुँचे, अंटिल इट स्लोली लैंडेड ऑन द अर्थ, कि उसी समय वह मोती जो है पृथ्वी पर धीरे से लैंडेड माने उतर गया, गिरा धीरे से। व्हेन इट टच द ग्राउंड, जैसे ही ये पृथ्वी से इसका स्पर्श हुआ, द पर्ल इमीडिएटली टर्न इंटू द क्लियर ग्रीन लैंड, तो मोती जो है वह तुरंत ही इमीडिएटली माने तुरंत मोती तुरंत ही एक साफ सुथरे जल वाली झील में परिवर्तित हो गया। जेड ड्रैगन एंड गोल्डन फोनिक्स कुड नॉट बी एबल टू पार्ट फ्रॉम इट, जेड ड्रैगन और गोल्डन फोनिक्स जिन्होंने कि इस मोती को, जादुई मोती को बड़ी मेहनत से बनाया था, वो इससे इसके इससे अलगाव बर्दाश्त नहीं कर सके। एंड सो दे चेंज्ड देमसेल्व्स इनटू टू माउंटेन्स, इसलिए उन्होंने क्या किया, दोनों ने अपने आप को दो पर्वतों के रूप में परिवर्तित कर लिया। रिमेनिंग फॉर एवर बाई साइड ऑफ द लेक, और झील के किनारे वो हमेशा हमेशा के लिए रहने लगे रहे। सिंस देन जेड ड्रैगन माउंटेन एंड गोल्डन फोनिक्स माउंटेन है क्वाइटली स्टूड बिसाइड द वेस्ट लेक, उसी समय से जेड ड्रैगन और माउंटेन, जेड ड्रैगन माउंटेन यानी जेड ड्रैगन जो माउंटेन बना हुआ था, एंड गोल्डन फोनिक्स माउंटेन जो बने थे, ये बिल्कुल शांतिपूर्वक उस पश्चिमी झील के किनारे खड़े हुए। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे दिस लेसन हैज़ बीन कम्प्लीटेड, द क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन विल बी कम्प्लीटेड इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप सेफ, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।